जी राजीव जी, देखिए सवालों का जवाब मैं आपको एक छोटा सा आज का ही एक सॉरी कल की एक घटना है, उसमें सुब्रमण्य स्वामी ने एक ट्वीट किया है, वो मोदी के लिए एक मेरे हिसाब से एक वार्निंग है, और मैं वो ट्वीट इंग्लिश में है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, उसका हिंदी में उसका भावार्थ बता दूंगी मैं। उसमें सुब्रमण्य स्वामी लिखते हैं ट्वीट में, PTs आर आस्किंग मी इफ आई विल रिटेलिएट अगेंस्ट मोदी इफ आई गो बाय हरेन पांड्या केस, इफ आई गो बाय हरेन पांड्या केस देन आई एम टू स्टेप्स अवे फ्रॉम द सेम सिचुएशन एज पांड्या वॉज वेन सम आउटसाइडर्स टुक एडवांटेज एंड किल्ड हिम, सो फर्स्ट आई हैव टू एंश्योर नो मोर स्टेप्स, फॉर दैट आई एम कॉन्टेक्टिंग माई एबल फ्रेंड्स। यहां उनका ट्वीट खत्म हो जाता है। इसमें आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस मतलब निहितार्थ समझें, वो क्या कह रहे हैं कि मेरे से कुछ इस पे ट्विटर पे लोग पूछ रहे हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, कि आप क्या हरेन पांड्या केस के बारे में कुछ करेंगे? तो उसने कहा कि अगर मैं हरेन पांड्या केस के बारे में कुछ करता हूं तो मेरी हालत वही होगी, मैं 2 कदम दूर रह जाऊंगा उस स्थिति से जो हरेन पांड्या का हश्र हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि मैं पहले अपनी पोजीशन सॉलिड कर लूं, सुरक्षा का इंतजाम कर लूं अपनी, और तब मैं आगे कुछ सोचूंगा। उसके नीचे अगर आप उस ट्वीट के नीचे आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो वो बहुत चौंकाने वाले कमेंट्स हैं जो कह रहे हैं। तो इसमें जो घर का भेदी लंका ढावे, ये वाली जो जो आप जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी की न्यूसेंस वैल्यू बहुत है, स्वामी का न केवल राज्यसभा सदस्यता उन्होंने दोबारा नहीं दी है, बल्कि जिस बंगला उनको दिया गया था 2016 में वो भी उन्होंने वापस ले लिया है सरकार ने, और इसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए थे कि भाई मुझे ये दिया जाए बंगला, क्योंकि मुझे जेड सिक्योरिटी मिली थी इसलिए मुझे बंगला दिया गया है, न कि राज्यसभा सीट के वजह से। लेकिन कोर्ट ने नहीं माना और बंगला उनको खाली करने का 6 महीने का टाइम दे दिया गया है। अब सुब्रमण्यम स्वामी के इरादे क्या हैं? कल उनका जन्मदिन था और उस जन्मदिन में आप हैरान हो जाएंगे कौन लोग आए थे। उसमें संजय जोशी आए थे उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए, फंक्शन हुआ था काफी बड़ा, उसमें संजय जोशी थे, उसमें गोविंदाचार्य थे। अब आप अंदाज लगाइए कि मोदी जो है ना, बजाय दूसरों के घरों में के ऊपर पत्थर फेंकने के, पहले अपना घर सुरक्षित कर लें। तो वो ये एक सिग्नल है, मतलब एक ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि मे बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है इस सारे घटनाक्रम से, लेकिन बताना जरूरी है पब्लिक को, क्योंकि इस तरह की बारीक खबरें पब्लिक के पास पहुंचती नहीं है, ना कोई इतना ध्यान देता है। अब आ जाइए यात्रा के ऊपर। यात्रा का मेरा ये कहना है कि एक बल्ली सिंह चीमा हुए हैं जनकवि उत्तराखंड के, उन्होंने एक कविता गीत लिखा है जनगीत, उसकी पहली लाइन है, मैं उसमें जरा सा हेर फेर करके कह रही हूँ, इस यात्रा के लिए ही कह रही हूँ, भारत छोड़ो यात्रा के लिए। ले तिरंगा चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, नफरतें अब जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। तो ये जो नफरत अगर जीत गई, जिन लोग भारत जोड़ो यात्रा ने अगर नफरत को जीत लिया, और जिस तरीके से राहुल गांधी प्रेम की गंगा बहा रहे हैं, रस्ते भर प्रेम की गंगा बहाते जा रहे हैं, वो बीजेपी के लिए वो एक मतलब एक उनकी जड़ का साधन है। उनको नहीं अच्छा लगता है, उनको नफरत का ही माहौल अच्छा लगता है, क्योंकि नफरत के माहौल में उनके बैक्टीरिया जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, उनके वोटों के जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको लगता है कि नफरत के माहौल को बनाए रखा जाए, और ये राहुल गांधी अगर जितना चलेगा उतना ये नफरत को खत्म करने की तरफ बढ़ाएगा, जैसा कि अभी सभी पैनलिस्ट बता रहे थे, बल्कि स्वामी जी ने तो बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से वो हर किसी से, हर तबके से, समाज के गरीब अमीर और युवा बच्चे बूढ़े इवन, आज तो क्या हुआ कि एक स्कूल बस जा रही थी बच्चों के से भरी हुई, 2 बसें थी, एक के पीछे एक बच्चे खिड़कियों में से हाथ हिलाने लगे, तो राहुल गांधी सुरक्षा का घेरा तोड़ के बगैर किसी प्लानिंग के उस बस के अंदर चले गए, और बच्चों ने जो वहां माहौल पैदा हुआ है, एक जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिफाइंग, तो ये चीजें मतलब बीजेपी के नेता तो सोच ही नहीं सकते इस चीज को। और ऐसा नहीं है कि ये कोई सुरक्षा का बहुत बड़ा मसला है इस व्यक्ति की, बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब वो रेस्पॉन्ड कर रहा है, जो लोगों का जो प्यार मिल रहा है। यहाँ पे क्या है कि पब्लिक वोट दे रही है भर भर के टोकरे, लेकिन नेताजी मंच से नीचे नहीं उतरते हैं,
मन की बात से नीचे नहीं उतरते हैं, रेडियो से नीचे नहीं उतरेंगे, टीवी से नीचे नहीं उतरेंगे। पब्लिक का वहां वन वे ट्रैफिक है, यहाँ पे टू वे ट्रैफिक है। पब्लिक का प्रेम, प्यार, पब्लिक की मोहब्बत आ रही है राहुल गांधी, उसके बदले में उल्टा बहुत बढ़िया रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब जो एक एक संवेदनशील हृदय को करना चाहिए। तो वो एक चल रहा है और ये चलता ही रहने वाला है। आप रेवड़ियां बांटते रहिए अपने तौर पर, अभी पब्लिक को थोड़ा समझ में आने लगा है इस यात्रा की वजह, जो एक साइड इफेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, पॉजिटिव साइड इफेक्ट है, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स तो बहुत, अगर ये यात्रा कंप्लीट हो गई, जैसा मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, मेरा जो मानना है कि मैंने कल भी कहा था आज भी कह रही हूँ, तो कि अगर ये यात्रा दिल्ली में एंटर हो गई और वहां से क्रॉस कर जाती आगे कश्मीर तक, तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स देखिएगा, देश एक बहुत असीम शांति का अनुभव करेगा। जैसे कहते हैं ना कि भाई शायद कोई बुद्ध है आसपास, इतनी असीम शांति है इस माहौल में कि शायद कोई बुद्ध विचरण कर रहा है। तो ये वाली एक स्थिति जिन इलाकों से निकल रहे हैं राहुल गांधी, तो वही स्थिति है कि बुद्ध विचरण कर रहा है, केरल से तमिलनाडु तक अभी पहुंचा है और एक असीम शांति का संदेश दे रहा है, लोग जिसको कहते हैं शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट और क्या हो सकता है। दूसरी बात, मैं आज एक और सजेशन कांग्रेस पार्टी को देना चाहती हूँ कि ये 3500 किलोमीटर की यात्रा है, इसमें करीब 150 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, तो मेरा ये कहना है कि ये एक ऐतिहासिक यात्रा है, न भूतो न भविष्यति। भविष्यति का भी मैं इसलिए कह रही हूँ कि इट्स अ वेरी टफ जर्नी, तो उसमें हर 100 किलोमीटर के ऊपर एक सदाबहार वृक्ष का पौधा लगाया जाए, जो कि इतिहास के जमीन के ऊपर एक पद चिन्ह छोड़ने वाला होगा, वो हमेशा याद दिलाएगा कि ये इस तरह की एक नफरत को जीतने वाली पदयात्रा एक इंसान ने यहाँ पे शुरू की थी कभी, और उसका क्या इफेक्ट जनता के ऊपर पड़ा था कि वह देश को, लोकतंत्र, देश के लोकतंत्र को बचा लिया था उस व्यक्ति ने इस यात्रा से। देश की नफरतों, जो डिवीजन को पब्लिक के अंदर पैदा हो रहा था, उसको उसको बचाया इस यात्रा के जरिए। तो इसकी जो, जिसको कहते हैं ना मेमोरेबल, एक मतलब एक स्मारक होंगे वो वृक्ष हमेशा के लिए, ये उस यात्रा के दौरान हर 100 किलोमीटर पे राहुल गांधी ने लगाए थे, यही कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ पौधे तो वो लगा रहे हैं और वो विजुअल्स भी आए हैं, और इस वक्त जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं कुछ है। ये विजुअल देखिए, ये यहाँ पे, लेकिन एक और विजुअल आपको हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या लगता है आपको, प्रकाश जी क्या लगता है इस यात्रा से आने वाले समय में देश की सियासत, यानी सियासी धारा जो है, उसको हम बदलते हुए देखेंगे या ऑलरेडी देख रहे हैं? मुझे लगता है कि सियासत की धारा बदल रही है, और अभी वो यात्रा